नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली के कई स्कूलों में बम की धमकी मिली है। फिलहाल बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है, तलाशी अभियान जारी है। दिल्ली में पहले भी इस तरह की कई धमकियां मिली है। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज बसोया और नसीब सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा जारी गठबंधन बेहद अपमानजनक है, क्योंकि आप पिछले 7 वर्षों में कई घोटालों से जुटी है। कांग्रेस नेता और पार्टी से उत्तर पूर्व दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार आज सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे। दोनों की दोपहर सीएम हाउस में मुलाकात होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि इन दोनों राज्यों के मेहनती लोगों के अथक प्रयासों ने हमेशा हमारी देश की प्रगति को गति दी है। आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी नामांकन दाखिल करेंगे, वहीं पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा पर्चा भरेंगे। इसके साथ ही सुल्तानपुर से मेनका गांधी भी नॉमिनेशन करेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम यहां कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे बनासकांठा और शाम 5 बजे साबरकांठा में जनसभा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगी, वो हनुमानगढ़ी भी जाएगी। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि पहले बूथ कैप्चर होते थे, अब प्रत्याशी ही कैप्चर हो रहा है। तुर्की के लोग महंगाई की मार से परेशान हैं। बीते मार्च के महीने में तुर्की का सालाना इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 68.5% हो गया था। देश में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोगों के लिए रोजमर्रा के सामान खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। शरद पवार ने सातारा लोकसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार शशिकांत शिंदे के लिए रैली की है। इस दौरान मशहूर अभिनेत्री अश्विनी महांकडे का एक भाषण चर्चाओं में बना हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के संविधान बदलने के आरोप पर पलटवार किया है। सीएम ने इसे ध्यान भटकाने का मुद्दा बताया है। महाराष्ट्र में मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी भूषण पाटिल का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से होगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नई वंदे भारत ट्रेन जल्द ही दौड़ेगी, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। पीएम ने बताया कि इससे कोल्हापुर में इंडस्ट्री और डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम एशिया में बनी तनाव की स्थिति के चलते इसराइल की उड़ानें आगे भी निलंबित रहने वाली है। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने इसराइल की उड़ानों को लेकर नया अपडेट शेयर किया है। आज 1 मई से चालू वित्त वर्ष के दूसरे महीने की शुरुआत हो गई है। हालांकि घरेलू शेयर बाजार के लिए ये शुरुआत अलग है। आज नए महीने यानी मई 2024 के पहले दिन घरेलू शेयर बाजार पर कोई कारोबार नहीं होगा। आईपीएल 2024 के 48वें मैच में मुंबई इंडियंस को लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने एक तरफा अंदाज में हरा दिया। मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 144 रन बना पाई और ये स्कोर लखनऊ के लिए बड़ा नहीं था। लखनऊ ने स्टोइनिस के तूफानी 62 रनों के दम पर बड़ी जीत हासिल की है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल को एक तरफा अंदाज में हरा तो दिया, लेकिन उसके लिए एक खिलाड़ी को बड़ा नुकसान हो गया। हर्षित राणा पर बड़ी कार्रवाई हुई है और वो एक मैच के लिए बैन हो गए हैं। साल 2024 अब तक बॉक्स ऑफिस के लिहाज से सूखा रहा है। आने वाले समय में भी इस साल कुछ फिल्मों को छोड़कर बॉलीवुड को अन्य फिल्मों से कुछ खास उम्मीद नहीं होगी, लेकिन 2025 में शाहरुख, सलमान, रणबीर और सनी देओल जैसे बड़े कलाकारों की फिल्में तहलका मचाने वाली है। जियो सिनेमा पर रिलीज हुई वेब सीरीज रणनीति में साउथ के मशहूर एक्टर प्रसन्ना विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीरीज में प्रसन्ना ने कश्मीर में -3 डिग्री में कुछ ऐसे सीन परफॉर्म किए हैं। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत 10 मई को रिलीज हो रही है। फिल्म में वो एक नेत्रहीन का किरदार निभा रहे हैं। इसमें वो लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।